guys. Welcome back to my another vlog. अभी हमने गाड़ी देखे तो काफ़ी कल बारिश गया था, इसके वजह से रास्ते भी देख सकते हो काफ़ी साफ है और मेरा बाइक का हालत देख सकते हो कैसा है, थोड़ा ख़राब हो चुका है। रास्ते पर आपका हमें भी देख सकते हो, आज का जो ब्लॉक होगा वो मेरा जो सेकंड 250 है उसके बारे में होगा, ये तीन साल इसको चलाने का मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा और अराउंड मैं 30,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ। तो वैसे आज साले है, आज हम लोग का एक राइड होने वाला था तो अमित भाई का कुछ उसका प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं जा पाए, वो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, उन लोग का शायद रिश्तेदार के कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, इसलिए आज हम लोग का राइड कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा अगर प्लान कर ही लिया तो एक ब्लॉग क्यों ना मैं डालूँ, क्योंकि वो सोचा कि बाइक के ऊपर मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, तो आज वो मौका आज मिला है, लेकिन 3 साल कंप्लीट होना और 30,000 किलोमीटर क्रॉस करने का जो मैं वीडियो बनाऊँ बात है कि हम लोग सोच चुका है थोड़े देर को वैसे देख सकते हो। अभी वेदर काफ़ी अभी थोड़ा गर्मी अच्छा हो रहा है, लेकिन लगातार परसों 2 दिन से इधर बारिश इधर है। आई होप आज की डे काफ़ी आज की डे क्योंकि अभी वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है बारिश होने के बाद तक। तो यहाँ पे बच्चों को सर्विस है तो यहाँ पे वॉश करने के लिए आया हुआ, बारिश के रेन बड़े ख़राब हो गया, गंदा हो चुका है, नया भी गंदा हो चुका है, इसको मैं अभी यहाँ पे आते वक्त मैं वॉश कर लूँगा। तो पहले चलो आप लोग का जी की चीज है को, और गाइस आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग आप फॉलो कर दीजिए, इंस्टा में फेसबुक में आप लोग फॉलो कर सकते हो, और जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और थैंक यू फॉर लास्ट ब्लॉग की होली का जो ब्लॉग था, मुझे काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी लाइक मिली, तो वैसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और वैसे ही मैं आप लोग के लिए ऐसे ऐसा अच्छे अच्छे कॉन्टेंट ऐसे ऐसे मज़ेदार ब्लॉग्स आप लोग के लिए ला पाऊँ। हर समय अपने सब बहन सब बंद है इसलिए थोड़ा कम यहाँ पे ट्रैफिक है, नहीं तो ये केवल हर समय यहाँ पे बिजी रहता है। तो फाइनली यहाँ पे जो बाइक का भी पीछा हो चुका है तो उसके लिए मेरा जीतना जैसे मैंने बहुत लॉन्ग राइड भी किया और बहुत सॉफ्ट भी। अरे यार रुको फालतू में यहाँ पे जाम लगा दिया, फालतू में जाम लगा दिया। ये भी ठीक करना चाहिए, ये बहुत पुराना ब्रिज है गाइस, कम से कम 50-100 साल पुराना ब्रिज है ये वाला, अभी भी चल रहा है देखो। तो पहले मुझे फ्यूल बढ़ाना पड़ेगा, फ्यूल बढ़ा हुआ देखते हैं, अगर कम होगा अगर ज़्यादा गाड़ी नहीं होगा तो मैं बना लूँगा, नहीं तो आते हुए बना दूँगा। देख सकते हो अभी थोड़े ही देर पहले यहाँ पे कुछ घटना होने वाला था, अबे यार फ़ोन दिया तो कम से कम देख के जाना चाहिए ना। चलो कम तो लग रहा है मुझे यहाँ पे, ये भी देखते हैं पेट्रोल दीजिए हेलो ये तो कहाँ गई तो गाइस
अभी जो थोड़ी देर पहले हादसा होने वाला था, आप लोग जब भी रोड क्रॉसिंग है तो इधर साइडवेज में देख के, साइड में देख के क्रॉसिंग कीजिए, नहीं तो दुर्घटना होने का चांसेस। अभी पूरा यहाँ पे अभी तो वाला मौत को छू के निकलना है, वही वैसा सिचुएशन था। तो भी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड गाइस। अभी फाइनली लोकेशन में पहुंच चुका हूं, देख सकते हो आप लोग, तो कैसा है आप लोग बताना कमेंट करके। तो गाइस ये है मेरा KTM, तो मैं ये 2018 का मॉडल था, तो उसको जब मैं ये इस बाइक को खरीदा तब मेरे पास दो ऑप्शन था, ड्यूक 200 और 250, और बाकी बाइक्स का भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने 250 चूज़ किया क्योंकि उस समय नया नया 250 वर्जन निकला था और मुझे काफ़ी लुक्स काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि KTM तो सभी तरह लुक्स के लिए जाना जाता है, और ऊपर से मुझे ऐसा बाइक चाहिए था जो मतलब लॉन्ग राइड के लिए भी परफेक्ट हो, तो मुझे उसके लिए मैंने ये वाला चूज़ किया। और अभी 2018 से अभी मैं अभी 2020 अराउंड 3 साल हो चुके हैं और मैंने अराउंड 30,000 किलोमीटर ऐसा चला लिया है। अभी आप देख सकते हो 30,000 क्रॉस मैंने कर लिया है, इससे मैंने बहुत लॉन्ग राइड्स किए हैं, तवांग शिलोंग और भी बहुत से लॉन्ग राइड्स, और फ्यूचर में और ऐसा आएगा, आई होप सो। तो आप लोग भी अगर कोई नया आना चाहते आ सकते हो, ले सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहले का जो 2018-19 का जो मॉडल था उसमें थोड़ा हीटिंग इशू था, तो आई होप अभी KTM ने उसको भी सॉल्व कर लिया है। तो ये VS4 मॉडल है, अभी आपको VS6 मॉडल में काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लुक्स मिल जाएंगे। तो ये तो गाइस यही है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जब भी आप बाइक्स खरीदें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहें, ताकि आपका जो रिक्वायरमेंट वो पूरा हो, कि आपको शॉर्ट राइड्स के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग राइड्स के लिए चाहिए, आपको किस तरीके का बाइक्स आपको चाहिए, तो वो पहले आप पहले अपने जो रिक्वायरमेंट उसको पहले आप निकालिए, इसके बाद आप बाइक लेने चाहिए। और KTM के बारे में बोलूँ तो अभी तो काफ़ी सारे मॉडल जो है वो अभी वो हो चुका है, मतलब अपडेट हो चुका है, V6 में V6 हो, 250 हो चुकी है, तो उसके हिसाब से हीटिंग इशू भी जो पहले था वो अभी नहीं है, तो ओवरऑल अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ़।